हेलो जी, क्या हाल चाल सबके। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे थे i20 की नई वीडियोस को लेके। तो आज जो मैं वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सारे इंफोटेनमेंट के जो सिस्टम थे, जो इसके फंक्शन थे, सारे वो आपको एक्सप्लेन किए थे। लेकिन कुछ भाइयों का मैसेज आया था MID की जो ड्राइव इन्फो होती है उसको लेके, कि वो कैसे वर्क करती है। तो उनको बता दूँ ये वर्क कैसे करेगी। तो एक हमारे भाई का मैसेज आया था कि इसमें जो गाड़ी में ये ड्राइव इन्फो दिखाती है, ये क्या क्या इसका वर्क रहता है। तो भाई आपको बता दूं, जैसे ये ड्राइव इन्फो दिखा रहा है, सबसे पहले आप अगर आप देखोगे, ये नंबर वन पे जो आ रही है एवरेज, जो आप ये एवरेज देख रहे हो, ये देखिए जो ये एवरेज दिखा रहा है 18.7, ये आपको जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो ये आपको लाइव एवरेज दिखाता है कि कितनी जो एवरेज है निकाल रहा है फ्यूल 1 लीटर में। तो वो यहाँ पे साथ साथ कैलकुलेट करता रहता है। अगर आप सिटी में चलाओगे तो ये कम दिखाएगा, हाईवे पे चलाओगे तो ये बढ़ती जाएगी अकॉर्डिंग टू। अगर आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो ये बढ़ती जाएगी अकॉर्डिंगली। अगर आप क्रूज़ पे गाड़ी चला रहे हो एक नॉर्मल स्पीड में 2000 RPM के अंदर, तो ये 20-22 तक भी पहुंच जाती है, 25 तक भी पहुंच जाती है। तो इसी अकॉर्डिंगली ये वर्क करती है। और इसको आप ये जो भी इन्फो दिखा रहे हैं एवरेज, इसको आप रीसेट नहीं कर सकते, ये लाइव इन्फो दिखाता है आपको, मतलब कितनी आप जब भी ड्राइव कर रहे हो तब कितनी आपको माइलेज दे रहा है। नंबर सेकंड का अगर हम टॉगल करेंगे, इसको टॉगल करेंगे यहाँ से और इसको नीचे लेके आएंगे, तो यहाँ पे आता है एक्यूमुलेटेड इन्फो। तो ये बता दूँ कि अगर मान लीजिए आप, जैसे मैं लुधियाना से, और मैंने लुधियाना से जाना है दिल्ली, तो मैं इसको होल्ड बटन, मैंने ना अभी जैसे मैंने गाड़ी ली थी, इसकी ऑडोमीटर रीडिंग आप देख सकते हो 452 है। तो जब से ये गाड़ी आई है, मैं इसने इसकी इन्फॉर्मेशन को क्लियर नहीं किया, मतलब रीसेट नहीं किया। आप चाहो तो रीसेट भी कर सकते हो, यहाँ पे ओके का बटन है, इसको लॉन्ग प्रेस करोगे कुछ 2 से 3 सेकंड के लिए तो ये रीसेट हो जाएगी। तो ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी रहता है, अगर आप रीसेट करना चाहते हो होल्ड को, ये ओके बटन को होल्ड करके रखना है 2 से 3 सेकंड, ये अपने आप से रीसेट हो जाएगी। तो एक आपको एग्जांपल दे दूँ, मान लीजिए आपने किसी भी सिटी से, ए सिटी से बी सिटी, जैसे मैं लुधियाना की बात कर लूँ, लुधियाना से मेरे को दिल्ली जाना है, तो मैं इसको अगर रीसेट कर लेता हूँ तो पूरे ट्रिप की माइलेज, अगर मैं नहीं रीसेट करता, मान लीजिए मैंने कैलकुलेट करनी है, तो ये डिस्टेंस दिखा देगा कितनी आपको माइलेज मिली है। बट इसमें ये दिखाता है टोटल टाइम के अकॉर्डिंगली ये माइलेज कैलकुलेट करता है। मान लीजिए आपने यहाँ से गए आप दिल्ली, आपको जाने में लगे लुधियाना से दिल्ली जाने के लिए 5 घंटे, तो 5 घंटे तो दिखाएगा उसके। मान लीजिए आपने 1 घंटे की लंच ब्रेक ले ली, तो अगर आपकी लंच ब्रेक के अकॉर्डिंगली आपकी गाड़ी ऑन है तो वो भी टाइम ये साथ साथ कैलकुलेट करेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ये माइलेज कैलकुलेट करता है। ये एक्चुअल माइलेज ने एक आपको एक जस्ट आइडिया दे देता है कि इतनी आपकी गाड़ी है जो माइलेज दे रही है। तो ये होता है एक्यूमुलेटेड इन्फो। अगर आप चाहो तो हर ट्रिप पे इसको रीसेट कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। और नंबर इसको अगर हम टॉगल करेंगे, यहाँ पे आ गया ड्राइव इन्फो। तो ये ड्राइव इन्फो होती है, ये आप हर जाने से, कहीं भी जाने से पहले आपको इसको रीसेट कर सकते हो। अदरवाइज की जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसकी MID में होती है कि अगर आप रीफिलिंग करते हो या गाड़ी बंद होती है उसके बाद ये अपने आप से रीसेट हो जाती है। और यहाँ पे दिखा देता है कि अभी जैसे कि 5 मिनट हो गए हैं गाड़ी ऑन को, तो यहाँ पे दिखा रहा है 0.05, यानी कि 5 मिनट गाड़ी को ऑन हुए हो गए, तो गाड़ी जैसे कि भी खड़ी हुई है, पार्क है, तो चली तो एनी किलोमीटर 0 दिखा रहा है। तो ये सारी इन्फो आपको दिखा रहा है। और ऊपर जो दिखा रहा है 109, ये दिखा रहा है कि आपकी गाड़ी में जो रिमेनिंग फ्यूल है वो कितने किलोमीटर तक आगे चल सकता है, तो वो सारी इन्फो यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये है इसका। और अगर इसको आप फिर से टॉगल करोगे, यहाँ पे दिखा रहा है जी ऑटो स्टॉप। तो ऑटो स्टॉप आपको बता दूँ, जैसे यहाँ पे आस्था वेरिएंट में ऑटो स्टॉप आता है, ये आइडल स्टॉप होता है। मान लीजिए आप ट्रैफिक सिग्नल्स पे खड़े हो, आपकी गाड़ी की ब्रेक लगी हुई है और आपने क्लच प्रेस किया, तो ये गाड़ी का इंजन है वो स्टॉप हो जाएगा, और जब आप ब्रेक और रिलीज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली ये दोबारा से इंजन स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। और इसमें क्या होगा, आपका ब्लोअर चलता रहेगा, AC बंद हो जाएगा। और अगर आपको इसको नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ से जस्ट इसको ऑफ़ कर दोगे, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑटो स्टॉप ऑफ का आ रहा है यहाँ पे। अगर इसको ऑन करोगे तो ये देख सकते हो यहाँ पे आ गया। और जो 0.01 दिखा रही है, ये दिखा रहा है कि टोटल जो आपने ट्रैवल किया तो कितनी बार ये गाड़ी कितने टाइम के लिए ऑटो स्टॉप हुई, कितनी देर आपका फ्यूल इसने सेव किया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखाता है इसके फर्स्ट जो इसकी एवरेज वाली है एक्यूमुलेट, ये फ्यूल इकोनॉमी आ गई, एक्यूमुलेटेड इन्फो आ गई, देन ड्राइव इन्फो आ गई, एंड ऑटो स्टॉप, ये सारे फंक्शन ये दिखाता है। और इसको चाहो तो आप हर बार किसी भी चीज़ को आपने रीसेट करना, तो होल्ड ये ओके बटन है, इसको आपने रीसेट करना। मान लीजिए अभी हम ऑटो स्टॉप को रीसेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं इसको करता हूँ होल्ड, तो ये देखिए वो वहाँ पे रीसेट हो गया। आपको 2 से 3 सेकंड इसको प्रेस करना है तो ये अपने आप से रीसेट हो जाएगा।
तो ये थी इसकी MID की, फ्यूल इकोनॉमी की, जो इसके फंक्शन है कैसे वर्क करते हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। i20 आस्था या आस्था ऑप्शनल वेरिएंट लेते हो तो आपको कुछ इस तरह से स्मार्ट की मिलती है, और ये आपको एक साथ की दो कीज़ मिलती हैं। तो इस की को प्रोटेक्ट करने के लिए कि अगर ये गिर जाए तो ये कहीं से ब्रेक ना हो, डैमेज ना हो, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने मंगवाया जी अमेज़ॉन से ये केस। बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर का केस है, ये देख सकते हो, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट केस, और सिलिकॉन में ये केस मेरे को मिला है बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे। तो अगर आप अपनी की को प्रोटेक्ट करने के लिए ये केस मंगवाना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और केस लगाने के बाद आपकी जो की किक लुक है कुछ इस तरह से ये लुक दिखेगी। और आप चाहो तो इसको वरना पे भी यूज़ कर सकते हो, वरना की स्मार्ट की वो भी सेम ही आती है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारे फंक्शन समझ आ गए होंगे। तो बाकी आपने इंफोटेनमेंट के सिस्टम के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, आप पिछली वीडियो को स्क्रॉल करके चेक कर सकते हो कैसे कैसे वर्क करते हैं। ऑलमोस्ट मैंने सारे फीचर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आपके पास है कोई गाड़ी, आप उसका ओनरशिप रिव्यू शेयर करना चाहते हो हमारी ऑडियंस के साथ, तो आप नीचे दिए गए ईमेल पे हमें मेल ड्रॉप कर सकते हो या सिंपली इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को DM कर सकते हो। सो दोस्तों इसके साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं नेक्स्ट आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हो i20 के ऊपर, i20 की गाड़ी के ऊपर कौन सी और वीडियोस देखना चाहते हो, वो भी मैं जल्दी लेके आऊंगा। सो इसके साथ वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो मिलते हैं जल्दी एक ऐसी और वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।